टेस्ट करके बताना कैसा है। रेल सारी ये सारा का सारा रेलवे स्टेशन, तो यहाँ जितने भी अपने पठानकोट या जितने भी अपने पंजाबी भाई हैं सभी को दिल से प्यार। शॉपिंग हो चुकी है, ये देख सकते हो मूवी का जो प्लान था बिल्कुल कैंसिल हो चुका है। बाकी अभी हम लोग फिर से बाहर निकल रहे, तो फाइनली गाइस हमारे जस्सी भी आ चुके हैं 2 घंटे वेट कराने के बाद। भैया इतनी देर कहाँ थे यार? मेरे दिल में तो वही हो। भैया जी कैसे हो? बढ़िया। और कहाँ जाने वाले फिर हम आज? पठानकोट भाई, पठानकोट। ओके ओके, पठानकोट की एंट्री कर ली है ना हमने? नहीं नहीं अभी नहीं किया, अभी हम नेरा नियर मतलब पंजाब में आता है ना एरिया। हाँ, एरिया पंजाब, मतलब पंजाब में आ चुके हैं। वाह भाई, 295 रेस्टोरेंट भाई, ये देखो इस नाम के लिए, इस वर्डिंग के लिए रिस्पेक्ट क्या वाली है आप सभी को पता है। यहाँ का सेटअप देखो यार, वाह यार फील आ गया। 295 रेस्टोरेंट, काफी यूनिक सा इनका रेस्टोरेंट है। क्या ले भैया? बढ़िया ठीक ठाक गाइज, ये देख सकते हो यहाँ का सेटअप कुछ इस तरह का। बाकी यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारी ना कॉफी वगैरह आ चुकी है। और ये देखो भाई हमारे जस्सी भी अभी शुरू हो गए, हाँ कॉफी वगैरह पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं। यहाँ पे हमारा पराठा भी आ चुके हैं भाई, अमृतसरी कुलचा। हाँ क्या बात है गाइज, अभी इसको टेस्ट करना है, टेस्ट करके बताना कैसा है भाई। भाई ये देखो भैया, आप भी करो टेस्ट। डालो डालो मुंह में, डालो पानी आ रहा है। पंजाबी बंदा आया भी है, पंजाबी हैगा। नहीं बढ़िया ना? बढ़िया, तो हम भी टेस्ट करते हैं भैया, नहीं तो व्लॉग ही बनाते रह जाएंगे। हमारा ना ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुके, सभी खा पी के उठ चुके हैं यहाँ से, और बाकी गए अभी यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं। भैया जी कैसे हो? बढ़िया। बाकी नाम बड़ा यूनिक है आपके रेस्टोरेंट का। बढ़िया बढ़िया, और ठीक ठाक? बढ़िया बढ़िया। अगर यहाँ से होके जा रहे तो जरूर आना। खा पी के फ्री हो चुके अभी, यहाँ से निकलने वाले हैं। टाइम क्या हो रहा है भैया? डेढ़ बज रहे हो भाई, टाइम का पता ही नहीं चला। डेढ़ बज गया अभी, डायरेक्टली हम लोग निकलने वाले 1:44। हाँ ओ भाई, डेढ़ भी नहीं ज्यादा बज गया, तो 2 बजने वाले हैं भाई। बस बैठते गाड़ी में निकलते हैं यहाँ से फुर। भाई फाइनली एंट्री हो चुकी है पठानकोट की, पंजाब की। तो अभी हम पठानकोट में एंट्री की है अभी रिसेंट। बाकी का इस माहौल देखो भैया, फिर कैसी फीलिंग है? और अभी हमारे भैया ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि एक दूसरे को बिल्कुल रेस्ट दिया जा रहा है यहाँ पे। भाई पठानकोट में हमने एंट्री कर ली है, बाकी यहाँ का माहौल काफी प्यारा है क्योंकि अभी सर्दियों के टाइम आने वाले हैं। पीछे बारिश रही तो मौसम भी बिल्कुल बैलेंस में है, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंड है। भाई गाइस आसपास का नजारा आप देख सकते हो, कुछ इस तरह का नज़ारा है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है पूरे 4 बज रहे, और हम और मैं और हमारे भैया आ चुके हैं यहाँ पे कुछ खाने, क्योंकि हमारे जस्सी भैया को थोड़ा काम है, वो अपना काम निपटा रहे हैं। और हम खा रहे हैं गाइस अभी ये मटके वाली आइसक्रीम। तो गाइस बाकी बने रही है, और भैया जी फिर करिए टेस्ट। अभी यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलने का टाइम है, जो भी था बढ़िया था। बाकी गाइस बाहर का माहौल तो भाई काफ़ी ट्रैफिक भरा है, बाहर ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। बाकी अभी देखना ये है कि हम लोग कहाँ जाते हैं इस ट्रैफिक में, क्योंकि अभी हमारे जो जस्सी भैया उनको थोड़ा काम है, तो काम करते 2 से 2.5 घंटे लग जाने वाले हैं। तो अभी भैया जहाँ जहाँ भी लेके चलेंगे वहाँ चले जाएंगे। भैया कहाँ जा रहे हैं अभी? बाकी गाइस ट्रैफिक देखो यार, ट्रैफिक इतना है कि गाड़ियाँ इतनी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी हमने बीच रास्ते में टेम्पो ले लिया, अभी मुझे नहीं पता भैया कहाँ लेके जा रहे हैं। बाकी अब बने रही है टेम्पो का एक्सपीरियंस हल्का सा पठानकोट में। बाकी गाइस जितने भी पठानकोट वाले हैं या वीडियो देखेंगे तो जरूर से जरूर वीडियो को शेयर करना। बाकी गाइस ये देखो, ये है यहाँ का प्यारा सा माहौल, ट्रैफिक भरा माहौल है, वैसे प्यारा सा भी है बट ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। इस लोकेशन पे काफ़ी प्यारी बिल्डिंग है, नोवेल्टी मॉल, द प्राइड ऑफ पठानकोट। अभी हमने मॉल में एंट्री कर ली, काफ़ी प्यारा मॉल है, तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस देंगे दिखाएंगे यहाँ पे, तो आप लोग बने रहिए। लिफ्ट से होके जाएंगे भैया? वैसे अभी हम लोग लिफ्ट में बैठ चुके हैं, तो भैया यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्या प्लान है आपका? मूवी देखेंगे। मूवी देख रहे? चलो ठीक है, मूवी देख लेते हैं, भैया तो काफी टाइम लगा लेंगे। आने की मूवी देखनी है तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, जरूर देखेंगे। ये न्यू एक्सपीरियंस है, ओहो बस ये एक्सपीरियंस न्यू है, तो एक्सपीरियंस न्यू एक्सपीरियंस लेने चाहिए। बाकी के बने रहिए, देखते कैसा एक्सपीरियंस रहता है अपना। और 4th फ्लोर पे हम ऐसे ही चले गए थे,
हमारा काम जो था थर्ड फ्लोर पे था। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं इस मॉल के बिल्कुल अंदर अंदर और यहाँ पे टिकट बुक करा रहे हैं हमारे भैया जी, पीवीआर सिनेमा सामने देख सकते हो यहाँ पे लिखा है। बाय गाइस जो एनवायरनमेंट है वो काफी साफ सुथरा रहता है। अभी यहाँ से भी निकलने का टाइम आ गया क्योंकि बात ऐसी है, क्योंकि अगर हम मूवी देखेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मतलब 9 बज जाएंगे। हमने चंबा भी निकलना है, घर भी जाना है, तो इस हिसाब से ना हमारा मूवी का जो प्लान था बिल्कुल कैंसिल हो चुका है। बाकी अभी हम लोग फिर से बाहर निकल रहे हैं, तो बाहर जाके देखते हैं कहाँ जाएं। यहाँ से जाते जाते यहाँ का माहौल देख सकते हो कि कैसा अंदर यहाँ का नज़ारा है। गाइस हम लोग यहाँ से बिल्कुल बाहर जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे आ चुके हैं। अभी हमारा जो एग्जिट पॉइंट है सामने है बिल्कुल, तो यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी प्यारा था, पर किया कुछ नहीं, हम वैसे बैठे ही थे, बस वहाँ पे जाके बैठा ही, बाकी किया कुछ नहीं। मूवी देखने का प्लान था, वो प्लान भी फेल हो गया। बाकी अभी यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं अभी कहाँ प्लान है। तो बाहर आके ऐसे लग रहा है कि भाई हम तो धूप धूप में गए थे, रात को कहाँ पहुँच गए। मौसम भी साफ है और आजकल दिन जो छोटे हैं इसीलिए ऐसा लग रहा है हमें। बाकी गाइस काफ़ी प्यारा माहौल था यहाँ का, और इस लोकेशन को भी बाय बाय करते हैं और अभी निकलते हैं। हमारे जस्ट भी अभी आने वाले हैं। फाइनली गए हमारे जस्सी भी अभी आ चुके हैं गाड़ी लेके, तो भाई गाड़ी में घुसते अभी। बोलो भैया। हेलो भैया, कहाँ गायब थे यार आप? हम चले गए थे सैर करने। बस ये पठानकोट का बिल्कुल शाम का नजारा, तो गाड़ियां ही गाड़ियां, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। बस ये शाम का मार्केट हुई, वैसे भी यहाँ पे काफी ज्यादा काम है इसलिए हमें रुकना पड़ रहा है। बाकी गाइस शाम का व्यू ही देख सकते हो। और गाइस जितने भी अपने पठानकोट या जितने भी अपने पंजाबी भाई हैं, सभी को दिल से प्यार, सभी को ढेर सारा प्यार। और वीडियो अगर देखोगे आप तो वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बने रहिए भाई, हम ऐसे वीडियोस बनाते रहते हैं। बाकी गाइस माहौल तो काफ़ी प्यारा है यहाँ का। अभी के टाइम पे हूँ मैं पठानकोट रेलवे स्टेशन पे, तो सामने देख सकते हो गाइस ये है रेल सारी, ये सारा का सारा रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी मतलब शांत माहौल है अभी के टाइम पे, उतने लोग नहीं है, तो यहाँ पे रेल ही रेल खड़ी है भाई। लंबी रेल लंबी होती है, वैसे कमेंट मत करना। बाकी गाइस प्यारा एक्सपीरियंस है यहाँ का, कम लोग हैं यहाँ पे, कम लोग दिख रहे हैं, उतने लोग नहीं है। और यहाँ पे ट्रेन लगी है, यहाँ का नज़ारा आपको दिखाऊंगा सामने, देखो काफ़ी प्यारा है, क्लीन नीट एंड क्लीन एरिया है, वैसा कोई भगदड़ वाला माहौल नहीं है क्योंकि शाम का टाइम है, तो शाम के टाइम क्या ही होगा। बाकी गाइस ये है ट्रेन, बाकी माहौल काफ़ी प्यारा है यहाँ का। तो गाइस टाइम और अभी पूरे 7:20 बजे और यहाँ पे अभी शाम का टाइम है, तो हम लोग आ चुके हैं गोलगप्पे खाने। यहाँ पे देख सकते हो हमारे ये रहे हमारे भैया। और बाकी गाइस अभी हम लोग निकलने वाले हैं, हमारे जस्सी भैया का ना थोड़ा सा काम है इसलिए हम इधर उधर थोड़ा टाइम काट रहे हैं, बाकी गोलगप्पे वगैरह खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और ये देखिए यहाँ पे गोलगप्पे खाने वाले हैं। ये देखो भैया का गोलगप्पा आ चुका है, मेरी बारी है। हाँ जी, डाल दो कोई भी डाल दो। जैसे ना टाइम नहीं काटा जा रहा है इसलिए हम कुछ ना कुछ खा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो भैया हैं वो बिजी हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी ये देख सकते हो गुलाब जामुन खाने वाले हैं। भैया ये वाले डालना मेरे लिए, ये वाले डालो, ये वाले। हाँ जी, ठंडे दो, ही गर्म नहीं खाने। हाँ ठीक है, गर्म ठंडे सब चलेंगे। हेलो भाई, अपने गुलाब जामुन भी आ गए, अपना टेस्ट भी आ गया, तो आपने बने रहना है, अभी इसको भी टेस्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। और नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या रहेगा वो हमें भी पता नहीं। तो भाई रात के पूरे 9 बज रहे और पठानकोट आए, तो शॉपिंग तो थोड़ी बहुत बनती है। यहाँ पे हमारी शॉपिंग चल रही है, देख सकते हो यहाँ पे हल्की सी शॉपिंग करेंगे, अपने लिए हल्के से कपड़े लेंगे, क्योंकि तो यहाँ पे जीन दिखा दिए भैया ना, स्ट्रेट फिट में दिखाओ भैया, साइज मेरा होना चाहिए, बाद में ना कटिंग ना करानी पड़े मुझे। शॉपिंग हो चुकी है, देख सकते हो जी भैया। टाइम क्या हो रहा है फिर भाई? बज रहे हैं मेरे हिसाब से 2:00 बज रहे हैं। सवा दो बजे पहुंचे हम चंबा है। गाइस यहाँ पे अभी हमने चाय वगैरह पी और अभी भैया हमारे घर जा रहे हैं। भाई और भाई की बहुत बढ़िया है यार, रिलीफ मिल जाता है माइंड में। चाय और चाय भाई क्रेडिट भाई अभिषेक चाय क्रेडिट भाई। बाकी चलो कर दो बाय बाय, ब्लॉग का एंड करते हैं भाई, इनके ब्लॉग का एंड है, मेरे का पेंडिंग है, वो मैं क्या पता शो सुबह कर दूं। सभी को नींद लगी है तो भाई हम भी सो जाते हैं और आप भी सो जाइए, आंखें भरी पड़ी हैं, दिल भी भरा पड़ा है, कोई आके भर जाए नींद कभी आंखों को भी। चलो ठीक है, बाय बाय, राधे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम।